वजूद-ए-महदी दिलों में अगर उतर आए और मेरे इमाम
मैं जब से सुनने बैठा, जब हदीसे के साहब जी, मैं हदीसे के साहब से भी पहले आया बाबा, थोड़ा इधर आइए, तड़से इधर आ रहे। हर बंदे को मैंने उसके लफ्जों से लेके उसके मौजू से लेके उसकी तर्ज तक मैंने गौर किया, ठीक है। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, वो आपकी दुआओं का सदका मालिक ने मेरे से तो अगर एक नज्म और हो जाए तो क्या बात है। तीन और पुरानी लिखी है लेकिन मैंने पढ़ी कोई नहीं। मैं कहने मौला नहीं चाहिए, नहीं पढ़नी, बस वो मौला ने करम कर दिया। तो मैं उसका जो पसे मंदर है रिवायत करते सरकार एक कुमैल इब्ने ज़ियाद, ये जिनसे मंसूब है सरकार कुमैल इब्ने ज़ियाद शेख साहब रिवायत करते हैं कि एक दफा मैं और अमीर मुनकरात सरकार अली इब्ने अबी तालिब एक दफा वादी सलाम में थे, तो मैं सरकार से कुछ फासले पे खड़ा था। सरकार वादी सलाम में टहल रहे थे और टहलते टहलते अचानक अकेले थे मेरे बादशाह, अकेले टहलते टहलते झूमते भी जाते, मुस्कुराते भी जाते और फरमाते या वे अभी एंता व उम्मी माफ सहा का, मेरे माँ बाप मुझ पे कुर्बान हो जाए, क्या तेरी फसाहत है, क्या तेरी बलागत है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, तेरी क्या फसाहत और बलागत है। मैं समझते मैं बड़ा परेशान हुआ कि यहाँ तो सरकार है, मैं हूँ, मैं दूर खड़ा हूँ, मौला के पास है कोई नहीं, मौला किससे बात कर रहे हैं। कहता मैं मौला के पास गया, मैंने कहा मौला वो आप अकेले हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी फसाद की तारीफ कर रहे हैं। सरकार फरमाते मैंने अपनी ऐनुल्लाह ही आंख से उस दौर में सफर किया जब मेरा बारवां बेटा दुनिया में ज़हूर करेगा। क्या तेरी फसाहत है, क्या तेरी बलागत है, जिसको नाजुल बलागत है काले कहे, आपकी सुनने की क्या बात है। बस वो मैं कहते मैंने मौला के कदम पकड़े, मैंने कहा मौला अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मुझे भी जरा खुतबे के चंद जुमले। शुरू तमहीद जो मैंने बांध रही थी इमरान शाह जी को समझ आ गई आपको, आज दिल है
कि जिक्र उस आदम में मेरा खून हो जाना है, आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूं। पहले मिसरे पे मैं चेहरे पढ़ूंगा और जिसको समझ आ गई और उसने मेरी बात आया कर दी, मुझे उस बंदे में से उस बंदे पे दो में से एक शक हो जाएगा, या उसको वाकई समझ नहीं आई या उसका अकीदा पीछे रह गया। आज दिल है कि जिक्र उस वली का करूं, हमें जिंदा रखा जिसकी ताईद ने। खुतबा अली की जबान।
Oh,
میں عقیدہ بولے تے بولنا وچ کوئی دادری چاہیے جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم جن فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں میں اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں پانیوں کی روانی میرا فیض ہے سانس لے کے ہوائیں چلا
ہے میرا مولا فرمائے گا یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں چلو آخری چھ بجے بس یہ میں جو پچھلے چار شروع کر بیٹھا تھے یہ پڑھ کے نوکری تمام یاد رکھنا چراغ نجوموں کا آسماں کی جبی پہ جلاتا ہوں میں پانیوں کی روانی میرا فیض ہے سانس لے کے ہوائیں جاتا ہوں یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے یہ جو لیل و جتنا زخمی مانگر سے ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے پر وہ نشیر آخری پڑھنے لگا یہ جو لیل و نہار ایک تسلسل میں ہے کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں کیا خبر ہے تمہیں مسکراتا ہوں میں وہ فقط میرا رازق ہے دارین میں جو تمہیں دیتا ہے وہ ہی داتا ہوں میں
ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੁਨਾਈ।